हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अज आप तुहानू लैके आए हैं शहर नकोदर दे विच। जिहड़ी ना शहर नकोदर की धरती है, यह नेकी धरती मनी जाती है, क्योंकि इस धरती के उपर बड़े फकीर पीर वगैरह, मतलब पीर पैगंबर वगैरह ने जन्म लिया। बाकी तुहानू पता है इस जगह, इस धरती के उपर बड़े मतलब गायक वगैरह संगीतकार भी पैदा हुए हैं। अज ना आप जो दिखा जा रहे हैं ना, ये है कि ने ये शाही मकबरे ने जिहड़े मतलब शाहजहां के राज दे विच ना संगीतकार सीगे। ये जिहड़ा मेरे पिछे सी मकबरा देख रहे हो, ये मकबरा हैगा मोहम्मद मोमिन जी का। तो इस दे नाल ही ना दूसरी साइड एक मकबरा होर है, ये इन्होंने शागिरद दा, मतलब इन्हें शागिरद सीगे, इन्हां तों संगीत सीखते सीगे। मतलब इन्होंने संगीत सीख के बहुत महारत हासिल की संगीत के विच, संगीत जगत के विच। उस तो बाद भी मतलब मोहम्मद मोमिन जी के शागिरद सीगे, वह बहुत वधिया संगीतकार बने। इन्हों भी मतलब जो मोहम्मद मोमिन जी से, इन्हों भी बहुत उच्चा स्थान प्राप्त है संगीत के विच। सिर्फ दोस्तों जो ये जगह ना, जिहड़े मतलब संगीत मतलब गायक ने संगीतकार ने, वो ये चीज़ जगह दे बारे वध कदर करते हैं, क्योंकि वह यही जगह ना उन्होंने वास्ते किसी मक्के मदीने तो घट नहीं हैगी। सो दोस्तों यह जगह ना बहुत पुरानी है, पुरानी बनी हुई है। मतलब साड़ी जानकारी के मुताबिक 1612 तो 13 के बीच ही मकबरे बन के तैयार हुए थे। तो जिहड़े ये मतलब मोहम्मद मोमिन जी से ना, यह शहर नकोदर के रहने वाले थे। इन्हां दी जिहड़ी मौत सी ओह किसी जगह पर होर हुई सी। इन्हां दे मकबरे बनाउण दा कारण यही सीगा, क्योंकि वह नकोदर शहर के वसनीक सीगे, भी वह मर के भी अपनी सारी जमीन नाल जुड़े रहन, इस करके ना नकोदर शहर के विच इन्हां दे मकबरे बनाए गए। सो तुसीं ना हुण मकबरियां वल ही ध्यान मार के देख सकते हो। मतलब जिहड़ा इतिहास सी, सिर्फ इतिहास दीआं गल्लां तां इन्नी कि ने। तो हुण ना तुहानूं आपां अंदर चल के मकबरे के दोनों आले दुआले का दृश्य दिखाउने आ, भी किन्नी सोहनी मीनाकारी की हुई है। यह ना मतलब बड़ी छोटी एक का बनया हुआ, जिम्मे तरह आप अक्सर देखते आ रहे हैं भी जड़िया ये पुरानिया विरासत वही किले ने मकबरे ने, यह सारे छोटी इटते बनवाए बनाई जाते थे। सो आज हम आप नेड़े चलते हाँ, तो आप मकबरे का आले दुआले तुम दृश्य दिखाने। हाँ जी दोस्तों, तुसी आ हुण ना असी मतलब मकबरे के बिल्कुल उपर आ गए, तुसी देख सकते हो कि ना बड़ी छोटी इटा बनया होया, जिहड़ी आपां नानक शाही लखौरी इटा वगैरह कह सकते हैं, क्योंकि जिहड़ियां पुरानियां विरासत ने चीज़ां ने सारियां किले वगैरह छोटी इट दी बने हुए ने। तुसी चार चुफेरे मकबरे च ना देख सकते हो, चार चुफेरे ते उपर देखो आ जाली बड़ी सोहनी बनी हुई है। एक कदर देखो उस टाइम के बने हुए भरे हुए, ये नहीं निकले है नहीं, वैसे रंग उतर जाते हैं ना। गेट बड़े मजबूत बनाए हुए ने, उस पिछले समय दिन देखो कोई वेल्डिंग वगैरह नहीं की, सारे मतलब उस तरह ही बाहर आने बनाए हुए ने। गेट बड़े मजबूत ने, वैसे अंदरों पाए साफ किया हुआ है पूरा प्रॉपर, तो एक लॉक लगाए हुए ने भी अंदर कोई ना मतलब गंदगी ना हो। अपना दूसरी साइड का व्यू देखने आ पौड़ियाँ भी बंद कितने हुई लोग लगे हुए हैं। आ जाओ आप उपर दिखाने, तो नीचे भी देखो ना ये टाइलों ने अजक जिदा अपने इंटरलॉक लगते हैं, ये उस तरह के डिजाइन भी तैयार करी हुई ने, पर है ये पुरानी बनी हुई चूना तो इटा का पाउडर रगड़ के बनाई कूना बनाई गई ना चूना मिट्टी ना। हाँ देखो ना उर्दू के उपर भी देख सकते हो, हाँ दिखावा जरा ये उर्दू में लिखा है। सो जो कोई मतलब उर्दू बारे या उर्दू है अरबी है फारसी है जड़ी भाषा है,
जो कोई पढ़ सकता सो पढ़ सकता दोस्तों, सानू इस बारे नहीं पता कि लिखा है, हो सकता है मुहम्मद मोमिन जी का मकबरा व्या इस तरह लिखा हो। बाकी जो आप रंगा की गल करिए, देखो अज के अपना जो मकाना में रंग कराने ना वो थोड़े टाइम ही उतरे आते हैं। देखो जो आप 16वीं सदी के देखो रंग हजे तक पूरे वधिया ने ना, उस तो बाद रिपेयर रिप्यूर नहीं हुई जी बिल्कुल भी, जो आप की रिपेयर हुई है बिल्कुल अपनी पहली हालात दिखी देखो। महाराज एक गल बड़ी गलत मैं मानता ना, जो कि आता ना अपने नाम वगैरह लिख दे रहे भी अपने पुराने दरखास्तों में सामने का की है आप खराब कर देने दोस्तों, मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए ना कि साडा भी फर्ज बनता है कि आप चीज़ों सामभ के रखिए। मैं तकरीबन हर वीडियो यही भी कहना हूं भी साढ़े अपन भी मतलब पुराना विरसा जो अपनी विरासत है इतिहास है उन्होंने सामने आप योगदान पाइए वो तो वो। आज हम आप दूसरे मकबरे वाल लेके जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, हम आप चल रहे हैं मोहम्मद मोमिन जी के मतलब जो लाउस चेता से ना शागिर्द जो उन्हों तो संगीत कला सीखता सगा, आप उन्होंने मकबरे वाल चल रहे हैं। ये मकबरा ना थोड़ा जहा उन्होंने मतलब थोड़ी उच्ची उच्चा बनाया हुआ है, काफ़ी मतलब फर्क है इन्होंने ये मेरे ख्याल से होना ये 8 फुट उच्चा चबूतरे से बनाया हुआ और वो तक ये हैंडिंग मेरे ख्याल से ना करूँ। दूसरी साइड देखिए घूम के चलते हैं उधर देखते हैं। बाकी असं गेट देख सकते हो देखी ए दिखाए आ पौड़ी है बंद की है आ रास्ता है ये बंद है उपर देखते हैं बना चल के उपरों दिखा दे दिखा भी मतलब ये हाँ पौड़ियाँ ये बंद की देख दूसरी साइड से गेट पे घूम के चलते उपर द जड़ा ये मकबरा ना मतलब जो पौड़ियाँ ने देख सकते हो गेट लगा के ना बंद कीतियां हुई ने, मतलब बंद करन दा की कारण है वो नहीं अपन जानते, लोग लगे हुए ने ये लोग ऐ लगता भी काफ़ी टाइम हो गए खोले नहीं होंगे, साफ सफाई हो सकता भी साफ सफाई ध्यान दे रखते हुए भी ज़्यादा गंद ना पवे ना ता करके बंद किए हुए हैं, मतलब जी जगह से है ना भी आम करके देखने संभाल नहीं होंगी, ये मतलब बहुत सोहना सामया होया कोई भी चीज़ नहीं हली हुई इतना उत्ता मतलब प्रोपर अपनी पहला जिदा मतलब ये बने से ना उस तरह ही लग रहे हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत पेंट की कमी है जे आप अच्छे तो थोड़ा बहुत पेंट वगैरह हो जाए ना बहुत सोहने लगना जिन्हें अज ही तैयार किए हुए हैं। तुम नीचे देख सकते हो ये इटा वगैरह ना बड़िया सोहनिया ने बनिया लगिया हुई ना, कोई भी मतलब किसी पास कोई कमी नहीं हैगी। सो देखो ये मकबरे ने ना मतलब जे आप कही भी यह ताजमहल है पंजाब का, सो मन वास्ते कोई ना ही ना करे मतलब ये मन जाएंगे भी हाँ वाकई इस पंजाब पंजाब के ताजमहल ने। देखो बड़ा सोहना दृश्य है चार सवेरे का कलर वगैरह ये ना मकबरे बिल्कुल डेरा बाबा मुराद शाह के नेड़े ने साइड पर रह जाए रह के रह जाते ना, जो तुम मतलब पूछना भी हो तो पूछ के आ सकते हो या लोकेशन हैगी है नैट पर सर्च भी कर सकते हो मकबरा मुहम्मद मोमिन जी का, कोई लभण च इन्नी कोई दिक्कत नहीं आनी हैगी तुहानू, तुसी किसी भी पूछ सकते हो मकबरे बड़ी मशहूर ने। सो दोस्तों अज के ब्लॉक में इन्ना ही, सो जे वीडियो चंगी लगी लाइक तो शेयर जरूर कर दिया करो, साडे चैनल होर वीडियो वेखने ना साडे चैनल लाइक तो सबसक्राइब कर लिया करो, हो तक धन्यवाद।